मिठाइयाँ और अब्बू अम्मी को जो है दुल्हा दुल्हन बना दिया। ये गिनते जाए कितनी है, हाँ इसके अंदर है वो सामान। बच्चा क्या हाल है, ठीक हो? ठीक है, फिट वाट है? उस्मान कहाँ है, वो कॉल कर रहा है। ये अहमद भाई के लिए, इसकी शक्ल चेक करें, ओ गरम भी है। चलो जी, अब रमजान साहब डाल रहे हैं। मैडम साहब इंतजार में है कि कब जो है राशन लेके आते हैं और सरप्राइज का नाम बताएं। हाँ जी, बहुत बड़ा सरप्राइज है। एक तो सरप्राइज ये अपने सामने रखा हुआ है और दूसरा सरप्राइज जो है वो भी खास है। हाँ जी, वो भी दिखाते हैं और बताते हैं और मुलाकात करवाते हैं। वो सरप्राइज नहीं है, कुछ खास मेहमान आए हैं। हाँ जी, मेरे लिए सरप्राइज है। वाह जी वाह। अच्छा, ये सरप्राइज तो बताते चले। हाँ जी, पहले ये ओपन दे, दिखा देना पहले, फिर वो निकालते रहना। पहले ये जी, ये होता है खरबूजा। हाँ, ये भी खरबूजे हैं और ये भी नहीं, ये दूसरे हैं। ये गर्मा। अच्छा, ये गर्मा हो गए। और हाँ, इनको साथ पे रखते जाए। और ये बिस्कुट, ये बिस्किट बताता हूँ किसके लिए। और ये चीज़ें बहुत है, ये एक एक करके दिखाएं। ये गिनते जाए कितनी है। छः है ना। ये क्या चीज़ है? ये बनेने हैं। बनेने, राइट, बनेने हैं। ये तीन, हाँ चार मेरी हैं और दो फरमान भाई की है। पुराने सारे ख़त्म हो गए थे ना। तो ये भी है क्या, गिनते जाए। एक और ये दो, ये तीन। चार, पाँच, सात। ये क्या चीज़ है? ये रुमाल है। हाँ जी, ये सात रुमाल है। ये भी बताऊंगा कि किसके लिए। और वो चीज़, तीन, चार, पाँच। थोड़ा थोड़ा जोर से बता दीजिए। छः। हाँ जी। अच्छा, ये भी, हाँ ये जो है ना, तीन फरमान भाई के तीन मेरे। चलो माशाल्लाह। और ये सूट। हाँ जी, ये सूट तो गिफ्ट है किसी का। चलो माशाल्लाह। ये भी दिखा दिया है। अभी और सरप्राइज दिखाते हैं कि वो कौन सा है। हाँ जी, ये सारा सामान जो देख लिया आपने, बनाने, जारबंद, रुमाल, कपड़े, बिस्कुट, खरबूजा और ये गर्मा। और ये इस्तेहाना, इस्तेहाना पुत्र क्या कर रही हो, चीज़ें देख रही हो। ये काफ़ी वजनी है, अभी इससे देखे ना क्या क्या निकलता है। हाँ जी, आप भी आ गई? हाँ जी, मैं भी आ गई हूँ। सामान है काटने वाला, जल्दी। हाँ जी, दो के तो काटेंगे ना, वो आपके भाई बोल रहे हैं जल्दी जल्दी काटो ना, ये आने वाला है। आप हाँ होके खड़े हो, ये चीज ये निकालो, ये गिनो, ये चीज निकालो, ये गिनो, आखिर देर हो रही है ना। क्या से दे हमें काटने, क्या हम दिखाएं भी ना? दिखा दे, फिर प्याज और इसमें ना अदरक। ये प्याज नहीं काटना, ये इसमें से लहसुन निकाल लें। ये प्याज अपने लिए है, घर के लिए, ये पे रख दें। वो और है, ये टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और प्याज। हाँ जी, और आज भी देग बनानी है।
और ये खजूरें हैं, खजूरें हैं रख दे, खजूरें हैं ये अफ्तारी के लिए। हाँ जी, ये उधर दे जाओ, फिर काटे वो आया हुआ है। ये है ना, ये मिसाले जात ले लेना। ये अब उसे पूछ ले, प्याज टमाटर ये तो सारे ही काट ले, और बाकी अदरक लहसुन तो दूसरा सामान जो है वो दिखा दे, चावल ना उठाए। ऊपर चावल है ना, तो किसी और को साथ में मिला ले। हाँ, इसके अंदर है वो सामान। हाँ खींचो, शाबाश। चलो अब ये पहले दिखा दे, पहले ये पे चिकन है। चिकन जी। और एक चीज होगी, ये जो चिकन, इसको ना साफ साफ करके धो के रख दे फ्रिज में, और मतीरे पर दुआने। चलो दो हैं, बड़े बड़े काफी हैं, और इधर है राशन। आप मुझे लगता है ना दिखा दिखा के थक गए। नहीं, ये सब शोर है, कुछ सुनाई नहीं दे रही आपकी। तो क्यों ऐसे आ गए सारे शोर मचाने? आपकी बात मैंने सुना भी नहीं, आपने क्या बोला? मैंने कहा इसको खोले, इसको काटना काटना पड़ेगा। हाँ काट के ना, अब इसके अंदर जो निकलेगा, पहले तो मैं ये बताऊँ, चावल है ना जो, ये किसी को बोले ये ताज़ा जो है ना भिगो दे। हाँ, बाकी जो राशन है वो हम दिखा रहे हैं। वो खाला जान चिकन भर गई है, और बाकी वो जो है ना सिस्टर भाभी, वो चाचू की बेटी, वो मसाला काट रही है, मैं खुद भिगो देती हूँ। ये काफी वजनी है यार। ये बच्चे बैठे हैं। अच्छा हाँ, साथ में ला लेना इनको, धो दे धो दे। हाँ हाँ, अब ये दिखा दे बाकी चावल। ये चावल मुझे दिखाए जरा। ये जी चावल है, देख के लिए अच्छे से चावल है माशाल्लाह। हाँ जी, एक नंबर चीज लेते हैं ना, वो इसमें चावल फंसे हुए हैं। चले, ये जो देख का सामान मैंने आपको दिखाया है, चिकन, घी, बाकी मसाले जात, और ये जो है चावल, और ये मसाले भी निकल रहे हैं। ये भी आप रुमाल का नहीं बताया। वो सरप्राइज है, वो बताऊंगा। अच्छा, ये मसाला बिरयानी मसाला माशाल्लाह, और ये अम्बली इमली इमली अम्बली। हाँ वही अम्बली, ठीक है। और इसमें हल्दी, लाल पाउडर और गरम मसाला, और ये रही नमक, वही नमक लेके आ गए। बहुत से बोला, बोलता है देख में यही डालना होता है। चलो ये नमक, और ये एक किलो घी, ये और एक किलो, ये आधा किलो, ढाई किलो, ढाई किलो घी। तो बहन भैया को ये मैं बता दूं, जो ये नमक है ना, ये नमक लेके आए हैं, और इतना सा बच्चा था, वो ऊपर किचन में जो स्पील बनी हुई है ना, ऊपर रखा हुआ था। किस बच्चे ने, जब किसी ने वो ना, एक बाल्टी है उसमें ना चीनी डालते हैं, और वो जो बाल्टी है उसमें वो नमक चीनी थी, एक किलो मैंने सुबह डाली थी उस बाल्टी में। वो किसी बच्चे ने नमक जाके उस बाल्टी में डाल दिया, उन्होंने कहा कि ये भी चीनी है, और वो किलो चीनी का चाट हो गया बर्बाद। हाँ जी, वो रात को मैंने बनाई चाय, मैंने तो यही सोचा, मैंने सुबह तो वो चीनी रखा था, तो मैंने वो चाय बनाई, वो चाय बना के फिर अम्मी को कहा, अम्मी ये मीठा चेक कर लो। अम्मी ने मीठा टेस्ट किया, वो कहती है इसमें क्या डाला है। मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं डाला। क्यों हंस रहा हूँ, मैं रात देख रहा था। चाबा हाँ, डोलने जा रही थी, जो किलो चीनी खाना वो चाट हो गया, और चाय की देखची, चाय की देखची भी चाट हो गई, बस वो नमक और चीनी मिक्स कर दी। हाँ, ये ना करे ना, ये बोल रही हूँ, अगर वो दूसरा नमक लेके आते है ना, वो ना अच्छा होता है। चलो अब सामान पूरा है माशाल्लाह।
हाँ जी। और बाकी ये मैं बता दूँ, बिस्कुट के डब्बे उठाए, ये ना जो भी बच्चे हैं, बच्चे बड़ों को तो रोजा है, इस्तेहाना को लाजमी दे, चाहे बाकियों को अफतारे टाइम दे। इस्तेहाना जो है ना वो बिस्कुट के लिए बैठी होती है बेचारी, अभी वो चली गई, उसको बुला के दे दे, ये इस्तेहाना के लिए स्पेशल। तो बाकी बच्चों के जो है ना दे दे, या अफतारे के टाइम दे, वो आपकी मर्जी है। सरप्राइज है बड़े बड़े माशाल्लाह, वो दिखाने वाले हैं। हाँ दिखाने वाले हैं माशाल्लाह जी। जैसा कि आज भी बताया था कि ख़त्म शरीफ का इंतज़ाम है, तो आप देख सकते हैं, देख के पकाई जो है हो रही है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तबीयत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। फिट फाट? अल्लाह की रहमत है, आप सुनाए ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके दुआएं हैं। किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं किसी चीज़ की, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुसी आंदे हो पका देंदे हो, मेहरबानी है तुहाडी। ये बन रहा है, बिरयानी बन रही है। हाँ जी। इसमें 7 किलो चिकन है। हाँ जी। 12 किलो चावल है, और बाकी सामान जिना मटीरियल जो भी है सारा मटीरियल है मेरे पास जी। बस और कोई चीज़? बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है, सब कुछ ठीक है। माशाल्लाह। और ये दुआ करनी है जिन्होंने करवाया है ना, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आपको तो पता है आप डेली आते रहते हैं, पकाते हैं जी जी। और जिन्होंने भी करवाया है इंतजाम ना, आप 3-4 दिन से ना पका रहे हैं, अल्लाह पाक अजर दे उन्हें, खुश रखे अल्लाह पाक उन्हें, अल्लाह पाक उनको फेर दे जी। आमीन। उनके वक्त में गरीब जो है ना खाना पीना खा लेते हैं, दुआ देते हैं, बहुत सारे गरीब लोग आते हैं इधर खाने। ये जो चिकन की बुनाई हो रही है आपने जैसा कि देखा, ये मैं आपको जूम करके भी दिखा दूँ। अभी इसमें चावल जो है डन में है, तो चावलों की बिगाई हो गई थी, पूछा है इनसे जी, चावलों की बुराई हो गई है। कर दी थी जी। चलो आपने जो साथ रहना है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो देनी है उनको, बड़ा हो गया। माशाल्लाह जी, कुरान खाने का ख़त्म करवाना था, और बच्चे भी आ गए हैं, ये देखें हाथ मुँह धो रहे हैं, और इधर जो है ये देखें कुछ बच्चे बैठ भी गए हैं, कारी साहब भी मौजूद हैं। कुरान खानी होगी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा ख़त्म शरीफ है, और अल्लाह पाक अजर दे जिन्होंने करवाया है, वो तो एंड पे पता चलेगा, नाम बताएँगे एंड पे फिर पता चलेगा। बाकी अभी कुरान पाक शुरू कर रहे हैं। अभी देखें नमाज अदा कर रहे हैं असर की, ये देखिए ये कुरान शरीफ भी पढ़ रहे थे, अभी असर की अजान भी दी है और नमाज पढ़ रहे हैं, ये बहन भी देख सकते हैं माशाल्लाह। फ्रूट काटना शुरू। ये है जी तरबूज जी, जो कि अभी एक काटा है। हाँ जी,
एक रखा हुआ है माशाल्लाह, एक भी बहुत सारा है। हाँ वो क्या है, खरबूज है और वो सर्दा है गर्म वो भाभी काटा है। गर्मियाँ है तो गर्मा होगा, सर्दा जो है ना सर्दियों में आता है, पता नहीं वो क्या चीज होती है, गर्मा होता है। चले वो काट रहे हैं, चलो मैं वो भी देख लेता हूँ, आप इसको जोड़े तरोताजा करें। इधर जी ये बता रहे थे गर्मा, अभी गर्मे की कटाई हो रही है और खरबूजा अभी रखा हुआ है, देख सकते हैं ना। हाँ जी माशाल्लाह, ये अभी दो बंदे लगे हैं, उधर जो है तीन बंदे लगे हैं। वो चीज़ ही ज्यादा है वो बस ज्यादा ले है ना, क्योंकि बंदे औसत के होते हैं फिर। नहीं वो बड़े बड़े है ना, तो एक उसे पकड़ती है दूसरी उसे काटती है, ये रुजी पकड़ती है। चलो माशाल्लाह, जिन्होंने करवाया अल्लाह पाक कबूल फरमाए। बाकी आप मैंने जारी रखे, आपको ये कटाई के और पकाई के ये अल्लाह पाक अजर देगा, जितनी खिदमत करेंगे ना लोगों की अल्लाह पाक सवाब देता है। आप मेहनत करते हैं, दिल में कोई बोझ है, आपके दिल में कोई शिकायत है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकायत नहीं। अल्लाह पाक जो खुश होता है ना, खिदमत करता है गरीबों की, उससे अल्लाह पाक अजर देता है। अल्लाह का काम करना है ना, मैं ना बहुत खुशी हो रही है, दिल को भी सुकून मिलता है। चलो माशाल्लाह फिर करते रहे माशाल्लाह, मेहमान भी पहुंच गए, ये देखें इस्तकबाल हो रहे हैं। असलम खान साहब आ गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? माशाल्लाह। ये फूलों के हार पहना है? हाँ ये हमारा रिवाज है। साहब क्या हाल है? और इधर और भी है। ठीक है जी, बच्चा क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? फिटवाट है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है कहा दुल्हा दुल्हन बना ले, दुल्हा दुल्हन कैसी है जोड़ी? हमारी दो दफा शादी हो गई है माशाल्लाह, तीसरी दफा ये हो गई। आपने सलाम किया मामू को? माशाल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआएं। ओ शुक्र अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है। शुक्र अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी भगवान भाई की। वो भी मेहमान आए हुए हैं, वो भी हैं, अभी भी टाइम है अफ्तारी में, शामिल हो गए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, हम आपका वेट कर रहे थे, हमें पता चला था कि आप आ रहे हैं। आपने बुलाया था जी? हाँ जी हाँ जी, बुलाया था, लेकिन कभी कभी बुलाते हैं तो नहीं आ सकते, आज आ रहे थे तो हम देखता है। मैंने कहा था उनको पता ना चले हम जाएंगे, पिछले साल आए थे तकरीबन एक साल तीन चार महीने हो गए। माशाल्लाह जी, मुलाकातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, गपशप हो रही है। हाँ जी, जो सरप्राइज बताया था हमारे घर में, दो दो सरप्राइज है, एक था घर ये गाड़ी वाला सब देखे। मैं गाड़ी की नहीं बात कर रही, ये देखे बच्चे आए हुए हैं और भाभी आपको असल मुखलिस साहब असलम खान ये सब आए हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, हमारे उस्ताद है हमारे घर में, बहुत खुशी की बात नहीं है तो और किस सरप्राइज जो बताया था। हाँ जी माशाल्लाह, ये बहुत बड़े सरप्राइज हैं दोनों, सुना दोनों दोनों सरप्राइज बहुत बड़े हैं, दोनों बहुत बड़े, बहुत बड़े। आज इफ्तारी पर हम क्या लगेंगे माशाल्लाह,
तो माशाल्लाह जी बहुत खुशी हो गई है, देखे मेहमान पहुँचे हैं, वेट कर रहे थे, अंसारी का टाइम होने वाला है, हमें भी देखे कितनी खुश है, ऐसे रोन के लगे रहे तो कितनी खुशी ये महीना जो गुजरा है माशाल्लाह बहुत सारे रोन के लगे हैं। हमारे घर पर आ रहे थे तो ठंडा मौसम बारिश नहीं आ रही थी। अच्छा बारिश मांग रहा था, अलीपुर का पूरा इलाका बारिश मांग रहा था। मुझे याद है कि कौशल इरफान भी उस वक्त आपके साथ ही पहुँचे। हाँ जी कौशल इरफान हमारे साथ हैं, आपके साथ रहते थे, साथ ले गए। हाँ जी माशाल्लाह। चलो इधर देखे हो क्या रहा है, मिठाइयाँ और अब्बू अम्मी को जो है दुल्हा दुल्हन बना दिया माशाल्लाह, रौन के खुशहालियाँ, अब्बू अम्मी भी दुल्हन बन गए वो देख ले। कैसे लगे जोड़ी? अल्हम्दुलिल्लाह आगे देख ले, मैं देख रहा हूँ। हाँ पूछ ले। आज अम्मी अब सुन रहे थे कि आ रहे हैं, अभी पूरा यकीन नहीं था ना, तो आप सरप्राइज। असल बात ये है जब सुबह हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं नहीं आ, उन्होंने कहा नहीं आओगे, हमने कहा रिक्वेस्ट की है हो सके तो आज बना लें प्रोग्राम अलीपुर। कहते हैं तो मैं जब घर गया हूँ इसने फोन खत्म कर दिया था और इंतजार कर ही बैठा था, तो मैं जब पहुँचा मैं क्या करने चले को भी पहना दिया। देखो तस्वीर ये क्या है, क्या पहना है हार? अच्छा आज क्या बनाया? माशाल्लाह जी रौन के फिर से खुशियाँ लौट आई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े मेहमान हमारे उस्ताद और काफ़ी गप्पे शप्पे हो रही हैं, खुशियाँ माशाल्लाह, और इधर इंतजाम भी हो रहे हैं वो क्या कहते हैं अफ्तारी के। अभी जी फरमान भाई कैसा लगा माशाल्लाह? बहुत अच्छा लगा है, बहुत खुशी हुई है, सरप्राइज मिला हमें, आज जैसे रौनक लगी है हमेशा ऐसे लगी रहे तो जब खुश हो जाए। हाँ जी माशाल्लाह बहुत ईरान के हैं ये देख ले, और दस्तरखान भी बिछाए जा रहे हैं माशाल्लाह, अफ्तारी का इंतजाम भी करते हैं, टाइम होने वाला है। चल वो तरपाल जो है ना वो यहाँ बिछाएंगे, तो माशाल्लाह जी यहाँ पर बंदे बैठ चुके हैं, ख़त्म शरीफ का टाइम जो है होने वाला है, और चीज़ें जो है वो रख रहे हैं फरमान भाई और सब, क्योंकि मैं भी रखवा रहा था, मैंने कहा दिखा दूँ। तो बाकी वहाँ लेडीज़ का जो है इंतज़ाम होने वाला है, लेडीज भी बिछा रहे हैं अपना तरपाल वगैरह, वो भी माशाल्लाह बैठेंगे, ख़त्म शरीफ होगा बहुत बड़ा। पता नहीं फिर किधर चले गए, लेके आ रहे थे पता नहीं। माशाल्लाह जी देख भी आ चुकी है, और ख़त्म शरीफ के लिए जो चावल डालने हैं प्लेटों में, रमज़ान साहब जो है खड़े हैं चावल लेने के लिए, तो छोटी सी प्लेट ढूंढ के लाए, और ये जो इसकी शक्ल चेक करें वो गर्म भी है वह। चलो जी अब रमज़ान साहब डाल रहे हैं ख़त्म के लिए प्लेट, फिर जो है अफ्तारी के बाद दूसरों को खाना खिलाएँगे इंशाल्लाह। चलो जी हाँ जी एक वो है ना ऊपर से खा लेते, ढकना भी बंद है, और अभी जी उधर ख़त्म शरीफ का टाइम होने वाला है, सबको जो है रख दिया इंतजाम। Thank you.
فأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المرجم وقنا عذاب القبر وقنا عذاب وقنا عذاب الميزان. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه يا رب الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. يا الله اجعلنا مسلمين في الإسلام ترقمان بحالة عند الموت. يا الله اجعلني قرآن پاک بچوں پر جیسے مدرسے پڑھیے ہمیں پڑھیں گے ارسال اسباب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دادا آدم علیہ السلام کو ہم کیا کہتے ہیں انبیاء شہداء صالحین جس نے مسلمان بعد اتنا بڑے بچے فوت ہو چکے ہیں. یا اللہ خصوصی دل باجی صاحب یو کے جو ختم پروگرام ترتیب کیے یا اللہ وہ حج اخراج کیے یا اللہ ان تمام نیک حجات نیک خواہشات اپنا خیالوں کی پوریاں فرما یا اللہ ان کے بیٹا بیمار ہے اللہ آپ ہم جنا رمضان مبارک و برکت جنا رکھوں پاک بس یا اللہ ان کو شفا کاملہ عطا نصیب فرما. آمین. یا اللہ روحانی جسمانی بیماری شفا کاملہ. آمین. یا اللہ جتنی مسلمان دنیا کے گھر اندر بیمار ہیں ہسپتالوں اندر بیمار ہیں یا اللہ جل محمد اندر بیمار ہیں رحم کرے شفا کاملہ. آمین. یا اللہ بابرکت مہینہ ہے یا اللہ بابرکت علی کلام ہے یا اللہ اسے التجا کر میں کلام دے سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے رمضان مبارک دے سکتے یا اللہ تمام کرام فرما. آمین. یا اللہ بھائی صاحب انجام کتنے یا اللہ میں استاد میں دربار قبول کر لو. آمین. یا اللہ کے والدین زندہ و سلامت رکھ بہت اچھے کو تو یا اللہ نے بخش فرما. آمین. یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کی مغفرت فرما. آمین. یا اللہ تیرا وعدہ ہے ہر رمضان مبارک ہر طرح کے اندر ڈالا کر بندے کو جہنم کو جنت بھیجا بھی یا اللہ خصوصیت یہ ہے تمام مسلمان جنت والا فیصلہ فرما. آمین. محفوظ فرما. اللہ جتنے مسلمان سارے پریشان حال ہیں تمام دے پریشان حال محفوظ فرما. اللہ جی اولاد بھی نیک سارے نرین اولاد صاف فرما. اللہ جی اولاد کے بخش کے والدین لفظ ملا. اللہ خصوصی ایسی آئے بہن امہ یوسف سارا انتیا اتو دے گی اللہ نے عمر میں برکت فرما. اللہ نے رزق مال جان کاروبار میں برکت فرما. یا اللہ نے بچوں میں مندر میں برکت فرما. اللہ بنا یا اللہ زمینی آسمانی آفات کی مصیبت کو پریشان کر. یا اللہ دنیا آخرت کی رسوائی تو شدید و کرم کرے. آمین. یا اللہ خصوصی ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک شہر میں. آمین. حجت اللہ وسیع فرما. آمین. یا اللہ تمام مسلمانوں کو توحید صادق نصیب. آمین. یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتباع فرما. یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہوئے یا اللہ تمام قبروں کو قبر میں رکھ. آمین. اللہ تمام قبروں کی جنت میں داخل. آمین. Thank you.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما شاء الله بندہ جو ہے نماز ادا کر لیا سب نے اور بیٹھ چکے ہیں ابھی جو ہے ان کو کھانا پینا کھلاتے ہیں وہ دیکھیں دے بھی رہے ہیں ماشاء اللہ جتنے غریب کھائیں گے اللہ پاک سے دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک اجر دے گا سب دعائیں کریں گے انشاءاللہ جس مقصد کے لیے کرایا اللہ پاک قبول فرمائے اور تو ادھر آپ دیکھ لیں بریانی بنائی تھی بانٹی جا رہی ہے دادا جو ہے بیٹھے ہیں دینے کے لیے ماشاء اللہ اور ادھر لیڈیز بھی بیٹھی ہیں ابھی ان کو بھی دیتے ہیں ابھی پہلے مردوں کو دے دیں پھر سب کو انشاء اللہ کھانا بڑا ہے ہاں جی فرمان بھائی کیا کہہ رہے تھے اچھی سی پلیٹ انہیں دے دیں اسپیشل بنوا دیں باقی سب بندوں کو مل گئے چلو جی وہاں پر دے دیا ابھی کچھ بندے بیٹھے ہیں یار ادھر سے چلو جن کو مل گئے وہ تو دکھا دے یہ دیکھیں جی سب کھا رہے ہیں کیونکہ رات ہونے والی ہے اندھیرا چھا گیا ہے تو ابھی جو نظر آ رہا ہے وہیں دیکھ لیں ماشاء اللہ ابھی وہ جو بندے ہیں وہ بیٹھے ہیں فرمان بھائی جلدی جلدی ذرا لے آئے وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہاں جی جلدی کریں ذرا پانی سے بھی رکھ دیا ہاں مل گیا سب کو ہاں ادھر دے دو ادھر سب کو مل گیا اب سب جو ہے کھا رہے ہیں ماشاء اللہ ان کو بچوں کو کھڑا کریں گے پھر وہ پوچھ گچھ کرتے رہیں گے کسی کو کوئی چیز بھی ضرورت ہوئی تو ماشاء اللہ جی کھانا وغیرہ کھا لیا سب نے ویری گڈ تو ابھی جی جو گفٹ دینا تھا قاری صاحب کو وہ ابو دے رہے ہیں ہاں جی ماشاء اللہ یہ ٹوپی یہ جی ٹوپی یہ رومال ماشاء اللہ اور یہ سوٹ استاد کے لیے بسم اللہ کریں بسم اللہ قبول کرے اللہ پاک یہ آپ کے لیے ہیں یہ جی گفٹ آپ کا عثمان کہاں ہے وہ کال کر رہے ہیں یہ
अहमद भाई के लिए। ये ले बच्चे, ये बंटी तो नहीं है, पूरा कर दो आप ले। चलो ये भी रख देना, बड़ा मतलब ये सब बच्चों में बांट दीजिएगा, और जो संभाल खाना है जाने वही हकदार है। चलो ठीक है, ये आप बांट देंगे बच्चों में, चलो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। ठीक है जी, फिर ठीक है जी, माशाल्लाह बड़ी मेहरबानी। हाँ जी, कल का प्रोग्राम बनता है तो फिर हम जरूर बताएंगे आपको। टाइम पे बता देंगे आपको, हो सकता है, हो जाता है। चलो जी, माशाल्लाह करवाना करते हैं।